मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, सीधे रुक कर लेती हूँ। अंकित गुप्ता इस पर हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, ये तारीख कब तय होगी, कब होना है अविश्वास प्रस्ताव पेश? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो पेश कर दिया गया है, लेकिन अब जिसका आपने भी जिक्र किया ना, इस पर चर्चा कब होगी? चर्चा अगले हफ्ते मुमकिन है। और ये क्यों अगले हफ्ते मुमकिन है? क्योंकि देखिए, जब भी जो है अविश्वास प्रस्ताव या कोई भी जो है प्रस्ताव आता है, तो उसके लिए बाकायदा कितने घंटे चर्चा होगी, कितने घंटे जो किस पार्टी को दिए जाएंगे, उसके कितने सांसद बोलेंगे, ये तमाम चीजें होती हैं जिसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है, उसके बाद में ही सदन में लाया जाता है। तो मुमकिन है कि अगले हफ्ते इस पर चर्चा हो। लेकिन शिरीन, यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि एक तबका जो राजनीतिक हलकों से जुड़ा हुआ है, वो ये कह रहा है कि विपक्ष ने एक सेल्फ कॉल कर दिया है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि मणिपुर का मुद्दा उठा रहे थे, प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे थे, ये एक तरीका अपनाया गया है, प्रधानमंत्री को सदन में आना होगा और जवाब देना होगा मणिपुर पे। लेकिन जो दूसरा तबका है, वो ये भी सवाल कह रहा है कि कहीं ये विपक्ष का सेल्फ कॉल तो नहीं है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव ला करके एक तरह से अगर प्रधानमंत्री वहां पर जवाब देते हैं सदन के नेता के तौर पर, तो वो सिर्फ मणिपुर पर ही नहीं, तमाम चीजों पर खुलकर के अपनी बात रखेंगे। और वो मुमकिन है कि विपक्ष को शायद नागवार भी गुजरे, सदन में हंगामा भी हो सकता है इन चीजों को लेकर भी। तो कुल मिलाकर के तो अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया है, अगले हफ्ते संभव है कि इस पर चर्चा हो। मेहमानों का रुख कर लेते हैं, और मैं प्रेम जी आपके पास आते हुए, नियति तो पता है इस प्रस्ताव की क्या है, फिर इसका मकसद क्या? देखिए, नियति तो आपने बताया कि इससे पहले 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, और इसकी नियति क्या रही है? आज तक कांग्रेस को छोड़ करके बाकी कांग्रेस सरकार में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हुआ, लेकिन 3 बार सफल हुआ है, तीनों गैर कांग्रेस सरकार में हुआ है। तो नियति तो विपक्ष हमेशा फाइट करता है, एक मौका है, मणिपुर पर सरकार बोल नहीं रही है, बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो रास्ता क्या बचता है? आपको बोलने के लिए विवश करने की एक इकलौती रणनीति बची थी, जिसका इस्तेमाल किया गया है। 2018 में भी पास नहीं हुआ था, इस बार भी पास नहीं होगा, लेकिन मणिपुर पर बोलना तो पड़ेगा। ठीक है रामकृपाल जी, यानी यही रास्ता बचा था विपक्ष के पास? देखिए, संसद को चले शायद 6 दिन पूरे हो चुके हैं, बिल्कुल, और जो वीडियो आए थे 19 को आया था, मैं सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, महिलाओं पर जिस तरह से जो अत्याचार हुए हैं, जिस तरह का जघन्य अपराध किया गया है, वो वीडियो सबको, पूरे देश को सबको मालूम है। बहुत दुख की बात इस बात की है कि आज 7 दिन के बाद उस विषय पर कि कम से कम फिर ऐसा को न हो सके, या देश में कोई भी आदमी ऐसा सोचने की हिम्मत भी न कर सके, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं, चाहे संविधान में बदलना हो, आईपीसी बदलनी हो, उसके बजाय बहस कैसे हो। इस पे बहस हो गई, 1 हफ्ता पूरा हो गया, तो ये दुखद है। और मैं फिर कहता हूँ कि अब जाकर के क्या तो हो रहा है, तो कह रहे हैं ना कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, नहीं, तो फिर इसीलिए ये ले आए हैं। सवाल इस बात का है कि रास्ता को रोका किसने है? तो मतलब कहने का अर्थ है कि रास्ता रोका किसने है? आप गृह मंत्री को नहीं सुनना चाहते, ठीक है, आप बताइए कोई भी चीज, अगर कोई केमिस्ट्री का सवाल है तो हिस्ट्री वाला तो नहीं बताएगा उसका, जिसका जो। लेकिन सर, फिर ये भी तो बात आती है ना कि पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।